गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है हम थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसको टीएलसी भी कहते हैं। इस क्रोमैटोग्राफी में हम सबसे पहले एक प्लेट लेते हैं, जो कि ग्लास प्लेट हो सकती है या फिर हम जो माइक्रोस्कोपिक प्लेट यूज करते हैं, ग्लास प्लेट यूज करते हैं, वो हो सकती है। उसके ऊपर यूनिफॉर्म फॉर्म में सिलिका को अप्लाई किया जाता है या फिर एलुमिना को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए, हमारे पास वो ग्लास की प्लेट है, तो इस पूरे के पूरे प्लेट में या तो हम सिलिका को लगाएंगे या फिर हम एलुमिना को लगाएंगे। इन दोनों में से जिसको भी हमने लगाया वो एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पे वर्क करेगा। स्टेशनरी फेस का फॉर्म है कि वो यहाँ पे मूव नहीं करेगा, वो यहाँ पर एज अ स्टेशनरी फेस रुका रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर सैंपल प्लेस करेंगे। सैंपल की एक ड्रॉप जो है हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और उसको ड्राई होने देंगे। उसके बाद एक बार अगर जब सैंपल ड्राई हो चुका है, तो सैंपल के ड्राई होने के बाद हम उसको एक ग्लास चैम्बर में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो हमारी प्लेट है इसको ग्लास चैम्बर में ट्रांसफर कर देंगे। ग्लास चैम्बर जो होगा वो क्लोज्ड कर देंगे। ग्लास चैम्बर को क्लोज करने का रीजन क्या है कि यहां पर हमने एक सॉल्वेंट रखा है। ये सॉल्वेंट की जो वेपर्स बनेगी वो पूरे के पूरे ग्लास चैम्बर को सैचुरेट कर देनी चाहिए। जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, यहीं पर इस पूरे चैम्बर को सैचुरेट कर दे। उसके अलावा ये जो सॉल्वेंट है ये नीचे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो सैंपल के नीचे प्रेजेंट है काफी। उसका रीजन ये है कि अगर सैंपल के इधर तक सॉल्वेंट आ गया तो सैंपल जो है वो सॉल्वेंट पे पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए सॉल्वेंट नीचे रहता है और सैंपल थोड़ा ऊपर हमारा रहता है। इसके बाद कैपिलरी एक्शन की वजह से जो सॉल्वेंट है वो ऊपर 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 ट्रैवल करते रहेगा, ये ऊपर 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 जाता रहेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू सिलिका जेल के प्लेट पे। ये जो सॉल्वेंट होता है ये अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसा होगा, नॉन पोलार होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एलुमिना क्या है, पोलार मॉलिक्यूल होती है, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलार होगा। और ये एज अ मोबाइल फेस के तौर पर वर्क कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा, आप देख सकते हो ये ऊपर 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 जा रहा है। तो यहां पर ये मूव करते 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 एक पॉइंट तक पहुंचेगा। यहां तक समझो मैंने कहा ये मूव किया, तो इसको मैं क्या बोल देती हूँ, सॉल्वेंट फ्रंट बोल देती हूँ। यहां तक ये मूव किया। अब ऐसा नहीं है कि अकेला ही मूव करेगा, इसके साथ साथ जो हमारा सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स भी ऊपर मूव करेंगे। पर यहां पर अगर हम देखें जो सैंपल है उसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स सिर्फ यहीं तक मूव करेंगे, कुछ और ऊपर जाएंगे, कुछ और ऊपर, कुछ और ऊपर, कुछ और ऊपर, इस तरीके से जाएंगे। तो ऐसा सैंपल जो कि सबसे नीचे ही रुक गया, वो सैंपल क्या होगा, वो सैंपल सबसे ज्यादा सिलिका जेल से इंटरैक्ट कर रहा है, इसलिए वो नीचे ही रह गया। तो ऐसा सैंपल जो कि सिलिका जेल से सबसे ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, ये कैसा होगा, पोलार होगा। वही ऐसा सैंपल जो बहुत ऊपर तक गया, यानी कि वो सॉल्वेंट के साथ सबसे ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये कैसा होगा, ये यहाँ पे होगा नॉन पोलार। और इस बेसिस पे हमने यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया। हम क्रोमैटोग्राफी क्यों करते हैं, इसलिए तो करते हैं ताकि हमारे पास एक सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग को सेपरेट कर ले। इसके बाद हम इसको यूज करके आरएफ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज रिटेंशन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो कितना मूव किया है। हमने जहां पे सैंपल पुट किया था वहां से लेकर सॉल्वेंट कितना मूव किया उसकी डिस्टेंस देखेंगे। उसी के साथ साथ अगर मेरे पास कोई यहाँ पर एक सैंपल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो कितना मूव किया। तो इसको यूज करके हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आरएफ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक मॉलिक्यूल ने अपॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमारे सॉल्वेंट ने, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट आरएफ वैल्यू हर एक मॉलिक्यूल की फाइंड आउट कर सकते और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहां पर अगर ये जो डॉट्स है जो मॉलिक्यूल्स है कलर्ड है तो फिर ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल्स कलर्ड नहीं होंगे तब हम इनको कैसे देखेंगे। इस कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है कि जब हम सिलिका बना रहे थे, सिलिका की प्लेट बना रहे थे, तो हम इस सिलिका की प्लेट में सिलिका के साथ साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एड कर दें जिसको हम जब यूवी रेडिएशन में रखेंगे तो फ्लोरोसेंस करें। तो यहां पर जब रिजल्ट आएगा तो पूरी की पूरी प्लेट तो फ्लोरोसेंस शो करेगी, लेकिन जहां जहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो लोकेशन यहाँ पे फ्लोरोसेंस नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप पहले से ही इंतजाम कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है तो आप निनहाइड्रिन से इस प्लेट को ट्रीट कर सकते हो रिजल्ट मिलने के बाद, जब आपने पूरा ये क्रोमैटोग्राफी रन कर लिया उसके बाद आप निनहाइड्रिन से ट्रीट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो पर्पल कलर के ब्राउन कलर के दिखेंगे। तीसरा तरीका ये होता है कि ये जो आपकी प्लेट है इसको आप आयोडीन चैम्बर में रख दो, तो आयोडीन जो है वो यहाँ पर इन सैंपल से रिएक्ट कर सकता है और आपको स्पॉट्स दे सकता है। तो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, ताकि आपका जो जो भी आप केमिकल दे रहे हो वो इनके साथ रिएक्ट कर दे, मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर दे और आपको यहाँ पर रिजल्ट दे दे, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ डॉट शो कर दे या कलर शो कर दे। और इस तरीके से यहाँ पे थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी की जाती है गाइस सेपरेट करने के लिए सैंपल के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, सिलिका जेल या फिर एलुमिना को यूज किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।